कोयटा समेत सूबे के अक्सर पेट्रोल पंप्स पर सार्फिन को पूरी रकम देने के बदले में कम पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। बेशतर पंप्स की मशीनरी के मीटर्स में हेर फेर है। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 20 के खिलाफ चालान करके उन्हें जुर्माना किया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज फरीदुल्ला खान से। जी देखने में आ रहा है कोयटा में कुछ अर्से से ऐसा लग रहा है कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे जो उनका गेज है वो कम मकदार में किया जा रहा है और नापतोल का मसला शुरू हो गया। लोग अगर 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं तो बाहर में अगर वो देखे तो तकरीबन 80 रुपए का पेट्रोल तो कम पेट्रोल जो डाला जाता है। देखने में ये आ रहा है कि उनकी मशीनें हैं उनके में कोई सिस्टम में खराबी की गई और साथ साथ जो पेट्रोल डालते हैं उनमें बताया जा रहा पेट्रोल डालने वाला उसमें जो उनका हैंडल है उसमें उन्होंने ऐसे वो टेक्निकल मसले किए हुए ताकि पेट्रोल कम डिलीवर हो और टैंकी में पेट्रोल कम जाए जिसकी वजह से लोगों को मजदूरी मशीन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अभी देखने में आया कि गुज़श्ता दिनों जो ज़िली इंतज़ामिया ऐसी के सिटी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है पेट्रोल सील करने का जो है सिलसिला शुरू किया है। एक पेट्रोल को सील भी किया गया है। इसके साथ साथ महकमा लेबर का जो डिपार्टमेंट है पैमाइश औजान वाले उन्होंने भी कार्रवाई शुरू कर दी। जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ उन्होंने पेट्रोल पंप की पंप्स की बकायदा जो गेज है उनको चेक करने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि जो लोगों की शिकायत है उनका जाला हो सके। डायरेक्टर पैमाइश औजान वालों का ये कहना है अब कुछ अर्से बाद जो है जल्द ही जो तमाम पेट्रोल पंप पे अपने नंबर अवेजा करेंगे। कहीं पर उन्हें शिकायत मिलेगी उन्हें पेट्रोल जो है कम या उनका गेज कम है तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकेंगे। जी